जी तो व्यूवर्स अगेन एक दफ़ा फिर हम फील्ड में मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमें एज़ यूजुअल ज्वाइन किया है सरदार यावर साहब ने, उसके साथ साथ ये जलाल साहब हो गए और बहुत ही हमारे प्यारे दोस्त इब्राहिम भाई हैं मुल्तान से, वो भी मेहमान हमारे, उनको भी इनवाइट किया है। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जलाल भाई, अगेन एक दफ़ा फिर हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं। लास्ट संडे भी हमारा एक एक्टिविटी का जो शुगल मेला था वो चलता रहा, हमने एक्टिविटी की। मेरी आपके साथ जो ऑब्जर्वेशन है रह के मुझे महसूस हुआ कि शिकार जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, तो क्या रीजंस हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर जैसा कि मैंने लास्ट संडे भी आपको बताया था कि शिकारी बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, पहले शिकारी महदूद थे, इलाके में चंद लोग हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। शिकारी बहुत ज़्यादा होने की वजह से शिकार कम हो गया और ये वजूहत हैं जी। उसके अलावा भी छोटे मोटे मसाइल हैं। फिर थोड़ा सा जब शिकारी शिकार के लिए निकलता है जी, तो शिकार इसी चीज़ का नाम है, कभी बहुत मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। ठीक है, लाइक आप कहना चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा पेशेंस का मामला है जी, सब्र और तहम्मुल वाला मामला है। और वैसे आप हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें ना वो क्विक रिस्पांस भी करना पड़ता है, जिस तरह से ये उड़ता है बहुत स्पीड होती है इसकी। जनाब भाई ख़ास तौर पे ये जो हमारा एरिया पोटोहार, इसमें चूँकि पहाड़ जंगल मतलब दरख्त बहुत ज़्यादा घने, इस वजह से हमारे एरिए में थोड़ा पार्टिज का जो शूट है ना जी, जी बिलखसूस ग्रे पार्टिज का, वो थोड़ा मुश्किल है जी बनिस्बत जो खुली फील्ड्स हैं उनकी नस्बत। जी थैंक यू जलाल भाई, और उसके साथ साथ यावर भाई की तरफ चलते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी तो यावर भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस फॉर सच अ नाइस इवेंट। और आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक रौनक लगी हुई है, मेहमान हजरात दोस्त अहबाब जो हैं काफ़ी रौनक मेला लगा हुआ है, तो इसके बारे में बताएँ कि आज गेट टुगेदर बड़ी अरेंज की है आपने, क्या इरादा है आपका? सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने भी हमें कीमती वक्त से टाइम दिया जी। बाकी ऐसे था कि हमारे कुछ दोस्त आए हुए थे शिकार के लिए, तो कुछ छोटे कज़न थे, उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, तो सारे गेट टुगेदर हो गए हैं कि थोड़ी सी इन्जॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि शिकार के भी तकरीबन अब आखिरी हम मराइल में दाखिल हो गए हैं ना जी, 15 फरवरी को ये इसका आखिरी डेट होती है, तो इसलिए फिर ये एक अच्छा सा प्रोग्राम हमने अरेंज किया है कि सारे भाई इकट्ठे हो जाएँ, थोड़ी गपशप हो जाए, तो कल से फिर वर्किंग डे है, सारे भाई कारोबारी लोग हैं, सारे अपने अपने मसाइल में गुम हो जाएंगे जी। थैंक यू यावर भाई। यावर भाई थैंक यू, आपने भी हमें मौका फ्राहम किया और हमारा जो पहला व्लॉग है उस पर दोस्त अहबाब के बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए और उनकी इवन फरमाइश भी आई कि इसको और बहुत अच्छे तरीके से आप हमें कैप्चर करके दें, तो
तो इसके मुतालिक आपने हमें दोबारा भी इनवाइट किया कि आएँ हम काम करते हैं, तो इस सारी एक्टिविटी को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लाइक वीडियो बनाना या कैप्चर करना शिकार तो आप पहले भी कर रहे हैं लेकिन अब ये एक यूनिक आपने डिसीजन लिया है, तो क्या आपका मतलब है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ये एक मोटिवेशन हो, एक मैसेज स्प्रेड करें ताकि हमारे दोस्त अहबाब या जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो हमसे मिलें और मिल के हम कोई इसके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करें? जैसे आपका ऑफिशियल पेज भी बन चुका है सरदार यावर ऑफिशियल के नाम से फेसबुक पे और चैनल भी लॉन्च हो रहा है हमारा, तो क्या इरादे हैं आपके मुस्तकबिल में इसके बारे में? सर ऐसे है कि पहली वीडियो तो हमने जो बनाई है नेट पे लगाई यूट्यूब पे, तो काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि आप हमें कोई एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके बताएं कि शिकार होता क्या है। बेसिकली हर बंदा तो शिकारी नहीं है जी, तो उसमें हमें सारे बंदों को लेके चलना होता है। इसलिए आज का हमारा जो ये प्लान था हमने स्टेप बाय स्टेप करके एक तो ये सारा प्रोग्राम मैनेज किया है, दूसरा ऐसे था कि कुछ दोस्तों की ये भी फरमाइश थी कि जो पहले हमने शॉट किए हैं उसमें कोई लाइव शॉट हमारे मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुए, तो वो उस वजह से भी आज जो हमारा बेसिक मकसद था वो यही था कि हम कोई ऐसी कोई लाइव कवरेज करें जिसमें हम को जो एक दो फायर होते हैं हमारे तो वो हम उसको कवरेज करके दिखाएं अपने दोस्तों जी, रियल टाइम जो शॉट हैं वो हमारे और इंशाल्लाह हमारे इंक्लूड हो चुके हैं वो। अभी सर ऐसे था कि फर्स्ट टाइम हमने जो शिकार किया है थोड़ा लेट भी थे, 9 बजे हमने शुरू किया है, वैसे इसका टाइम भी 10:30-11 तक होता है फर्स्ट टाइम, उसमें हमने तकरीबन 10 तीतर मार लिए जी, तो 2 गुम हो गए थे उसमें। अभी सेकंड टाइम का भी हम निकलने लगे हैं, आप बस दुआ करें इंशाल्लाह और अच्छा स्कोर होगा। अच्छी थैंक यू जी। पहले स्पेल के अंदर कैसी सूरत रही, कितना शिकार हो गया? सर बड़ा मजा आया, तकरीबन 10 हमने इन हैंड है ना हमारे, 2 गुम हो गए थे जी। जी थैंक यू जी, अच्छा रहा और होपफुली सेकंड स्पेल के अंदर भी हमारी कारकर्दगी जलाल भाई अच्छी होगी। थैंक यू। और बाकी रौनक मौनक मेहमान जो हैं उनसे भी छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं सबका इनफरादी तौर पे, ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको मालूम हो सके कि इस गेट टुगेदर में कितने लोग शामिल थे और किन लोगों ने एंजॉय किया। मेरा यावर भाई और जलाल भाई से एक बहुत अच्छा और बहुत पुराना हमारा रिलेशन है जी, हमारी ऐसी मोस्टली वीकेंड्स पे गेट टुगेदर होती रहती हैं, तो हंटिंग ये एक मेरा पैशन भी है, दूसरा इनकी मोहब्बत की वजह से फिर हम ऐसी गेट टुगेदर्स में मैं इंशाल्लाह इधर आता रहता हूँ और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ज्वाइन करता रहूँगा। थैंक यू जी इब्राहिम हमें कीमती वक्त देने का और इंशाल्लाह आपकी कंपनी को भी हम इंजॉय करेंगे। थैंक्स अ लॉट जी। सर बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी, बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन कॉल्स आते थे और वो कहते थे यार कि हमें भी अपना जो आपका हंटिंग का एक्सपीरियंस होता है वो हम तक भी पहुँचाएँ, हम भी देखना चाहते हैं। तो सरदार यावर अब्बास ऑफिशियल हंटिंग क्लब के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया हमने, अपना जो हमारा एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह वो भी फर्दर हम आप लोगों से शेयर करेंगे, और हमारी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है जी आप इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह एक वेरी सून यूट्यूब पे एक चैनल भी हम इंशाल्लाह इसका बनाएंगे जी, और वो भी इंशाल्लाह आपसे हम सारी डिटेल्स जो है वो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फाइनली जो है हम सरदार यावर साहब के डेरे पर वापस पहुँच चुके हैं, सारे दिन की जो एक्टिविटी थी काफ़ी थका देने वाली थी, लेकिन उसके साथ साथ दोपहर के जमने और भी बहुत सारी रंग बिरंगी चीज़ें बनी थी, मज़ा दुबाला हो गया। उसके साथ एक्सरसाइज भी हमने काफ़ी अच्छी की है और मेरी स्मार्ट वॉच ये बता रही है कि आज हमने 16 किलोमीटर जो है वो वॉक किया है, बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है। मेरी तो विश है कि मैं महीने में से कम अज़ कम एक या दो इस तरह की एक्टिविटी को ज्वाइन करना। बाकी शिकार की क्या सूरत हाल रही, क्योंकि दूसरे स्पेल के अंदर जो है टीम स्प्लिट हो चुकी थी,
एक टीम को लीड कर रहे थे सरदार यावर साहब और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे हमारे अली रजा भाई। और अभी सरदार यावर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि स्कोर का क्या लेवल रहा है और हमारा दिन कैसे गुजरा है। जी छाजर भाई, ऐसा है कि आपका हमारे साथ दूसरा ये प्रोग्राम था शिकार का जी, तो बेसिक जो हमारा मकसद है वो कोई ये गिनती करना नहीं है जी, हमारा जो ये टोटली शिकार का मकसद है यही है कि अपने कज़न दोस्त भाई ये इन्वाइट करके इकट्ठे हो जाते हैं जी, दुनिया की जो ये मसरूफियात हैं उनसे हट के हम एक दोस्तों भाइयों को ये इमेज भी दे रहे हैं जो हमारे शिकारी भाई हैं जी, कि इस चीज़ से हमें कोई सरोकार नहीं है कि शिकार कितना हुआ या कितनी गिनती में आए हैं जी। ठीक, बेसिक हमारा जो मकसद है आउटिंग है और वो हमने आज सारे भाइयों ने खूब इंजॉय किया जी। थैंक यू यावर भाई, बहुत शुक्रिया। और मैंने भी ये महसूस किया कि आपके अंदर ज़्यादा लस्ट नहीं है कि यार मारते जाओ, बस थोड़ा बहुत आपने किया और उसके बाद उसको कवर कर लिया। जहाँ तक मेरे नॉलेज में गालबन जो 10 के करीब पहले स्पेल में हुए और 7 के करीब सेकंड स्पेल में, और फिर आपने काम को रोक दिया वहीं पे। थैंक यू यावर भाई, होपफुली नेक्स्ट मीटिंग होगी। थैंक यू जी, अल्लाह। उसके साथ साथ मेरे अपने चैनल प्राउड ऑफ पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हंटिंग के रिगार्डिंग जिनका भी इंटरेस्ट है, सरदार यावर खान ऑफिशियल के नाम से इनका फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हो रहा है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।